दोस्तों आज हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ बिलीफ का। दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे तीन पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आपका फेथ आपको मनी दिला सकता है, या किस तरीके से आप अपने फेथ की मदद से या अपने श्रद्धा की मदद से की मैजिक से आप अमीर बन सकते हैं। पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों भले ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने या ना माने, पर वो काम करता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी ही नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने, पर एक बात याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने से आपने एक बिलीफ आता है, और जब वो बिलीफ आता है तो आप उस तरीके से एक्शन लेते हैं, उस तरीके से एक्ट करते हैं। जब आपको ये पता हो जाए कि आप उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं, या ये फील करने लग जाए कि आप उस चीज़ को अचीव करने ही वाले हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला फैक्टर हो जाता है। जब आपको ऐसा पूरा यकीन हो जाता है कि वो आपको मिल चुका है, तो इससे आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि हो सकता है आप इस तरीके से काम ना करें, पर ये आपके खुद के थ्रू ही तो काम कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूरी नहीं है बाहरी चीज़ों पर काम करे, ये आप पर भी काम कर सकता है। दूसरा है पावर ऑफ बिलीव। दोस्तों हमारे विश्वास में बहुत ताकत होता है। अगर हम विश्वास करते हैं किसी चीज़ पर, तो उसका होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बिलीव ही नहीं करते खुद पर, तो आप अमीर भी नहीं बन सकते। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, वो रियलिटी और फैक्ट के हिसाब से तो चलते हैं, पर वो लोग बिलीव के पावर को भी समझते हैं। वो लोग मानते हैं कि अगर वो लोग किसी काम को करने का विश्वास रखते हैं, खुद बिलीव रखते हैं, तो वो उस काम को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पूरी रात या पूरे साल भर भी पढ़ाई करें और आपको बिलीव ही ना हो, खुद पर ही कॉन्फिडेंस ना हो कि आप पेपर में एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, तो आप पास भी नहीं हो सकते। दोस्तों सिर्फ फैक्ट और लॉजिक के हिसाब से ही पूरी दुनिया को चलाना संभव ही नहीं है, इसलिए आपको बिलीफ के पावर को भी समझना ही पड़ेगा या अप्लाई करना ही पड़ेगा। तीसरा है यूनिवर्स विल हेल्प यू। दोस्तों याद रखिए, कोई भी दुनिया का लकी इंसान इतना लकी नहीं है कि उसके लिए सब कुछ ही आसान हो जाए। दोस्तों यूनिवर्स ने आपको जो देने का डिसाइड किया है, वो तो किया ही है। आप भले लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर ऑफ बिलीव को माने या ना माने, आप भगवान को भले ही ना माने, पर भगवान आपको वो सब या यूनिवर्स आपको वो सब देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, पर वो आपको बहुत ही आसानी से नहीं देगा। दोस्तों यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, पर इतना भी आसान नहीं करेगा कि आप लेज़ी हो जाए। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है, तो एक बात याद रखिए कि यूनिवर्स आपको अमीर बनने में मदद ज़रूर करेगा, पर पूरा आसान नहीं करेगा। आपके लिए कुछ चैलेंजेस भी देगा, कुछ कठिनाई देगी, जिसे आप ओवरकम करके अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं। चलिए हम तीनों टिप को समराइज़ कर देते हैं। पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप माने या ना माने, पर यह आपको अमीर ज़रूर बनाएगा। दूसरा है पावर ऑफ बिलीव, जब आप बिलीव करते हैं कि आप अमीर बन जाएंगे, तो आप अमीर बन जाएंगे। तीसरा है यूनिवर्स विल हेल्प यू। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं या नहीं भी मानते, तो भी यूनिवर्स आपका मदद करेगा, आपको ऐसे ऐसे तरीके देगा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपके टारगेट को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।